इंदौर में यातायात पुलिस के द्वारा दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए हर सप्ताह रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज भी यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया। टीम द्वारा दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए अपील की गई। दरअसल यातायात टीम सुबह से ही वल्लभ नगर पर एकत्रित हुई, जहां पर यातायात डीसीपी के निर्देश पर आने जाने वाले चिन्हित पॉइंट पर बल तैनात किया गया, जिसमें टीम द्वारा स्टॉपर्स बैरिकेड्स लगाकर बैनर माइक से अनाउंसमेंट के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए अपील की गई। इस दौरान डीसीपी यातायात के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने भी पॉइंट पर पहुंचकर हेलमेट पहनने वाले चालकों को चॉकलेट फूल देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया। वहीं इस दौरान कुछ वाहन चालक बिना हेलमेट के घर से निकले, मगर टीम ने उन्हें घर से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की हिदायत देते हुए वापस भेज दिया। वहीं इस यातायात की कार्रवाई को लोगों ने भी सराहा। उन पीड़ित परिवारों के लिए जिनको कोई विपत्ति आने वाली है, हम सभी जानते हैं जब एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो बड़ी दिक्कत होती है, और ख़ास करके जब कोई हमारा युवा साथी तेज़ गति से वाहन चलाते हुए दुर्घटना के स्थल पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका परिवार वो दुख सदियों तक पूरी ज़िंदगी सहता है। तो इसलिए पुलिस ने चालानी कार्रवाई के पहले लोगों को समझाइश देने के लिए अभियान चलाया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार हमने इंदौर में स्वच्छता के अंदर हमारा इंदौर नंबर एक आया है, वो हम सब नागरिकों के सहयोग से आया है, तो इसको भी रोको टोको अभियान को भी हम सब सफल बनाएंगे, अपने परिवार को, अपने इंदौर को, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। आज जनता आई, काफ़ी जनप्रतिनिधि शामिल हुए हमारे रोको टोको अभियान में। मैंने सबको अपनी धारणा बताई कि हमारा उद्देश्य चालान बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम चालान उन व्यक्तियों को बनाएंगे जो अपनी हित सोचते हैं और जनता की परवाह नहीं करते और लापरवाही तरीके से वाहन चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे और क्या चालान बनाएंगे, और बार बार समझाइश देने के बाद भी लोग नहीं मानते, उसके लिए हमारी सख्ती करेगी। लेकिन हमारा उद्देश्य, फिर भी मैं कहूँगा, चालान बनाना नहीं है। हमने आज रोको टोको किया है। रोको टोको का उद्देश्य ये है कि जैसे ही व्यक्ति घर से बाहर निकलता है उसको तत्काल रोका जाए, उससे कहा जाए कि हेलमेट पहनकर आए। और इससे फ़ायदा ये होगा, जब व्यक्ति घर से बाहर हेलमेट पहनकर निकलेगा, कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी अंचल में जाएगा, जब घर पर लौटेगा तो वो हेलमेट में ही दिखाई देगा। ये हमारा उद्देश्य। सर कहाँ चलाया गया है आज ये राजकुमार ब्रिज के नीचे वल्लभ नगर में, जिसमें विधायक जी भी शामिल हुए थे, महेंद्र आड़िया जी। सर एक छोटा सा था, यहाँ पर बसें काफ़ी खड़ी रहती है, और मैंने उसके लिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लोगों की मीटिंग ले लो और सबको समझाइश दे दो कि जो भी अगर बस ऑफ रोड रहती है तो लोगों की असुविधा का ना हो, इसका ध्यान रखें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।